हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइडल में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है मुंबई यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। सेकेंड या थर्ड ईयर के लिए तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, लेकिन जिन्होंने भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है बीएससी आईटी एफआईबीए एफआईबीकॉम एमए एमकॉम पार्ट वन एमए पार्ट वन पहली बार अगर आपने एडमिशन लिया है तो फॉर्म भरने के बाद में करना क्या, ये सभी का क्या हो रहा है बड़ा क्वेश्चन है। What to do after the filling a form? आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया, स्क्रीन शॉट कर दी, सेमिस्टर के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए, सेम वन के कर लिए, सेम टू के कर लिए, अब करना क्या है सर? अब हमको डायरेक्टली एग्ज़ाम देना होगा। यस, अब आपका सेमिस्टर वन एग्ज़ाम होगा और सेमिस्टर टू एग्ज़ाम होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? इसका आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे जाओगे, कभी कभी जाते रहने का, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहने का क्या कुछ अपडेट आया कि नहीं। अगर आप आइडल स्टूडेंट्स हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसे जो भी अपडेट उनके ऑफिशियल सर्कुलर पर आते हैं मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी आपके लिए क्या करूँ उसका एक वीडियो लेके आऊँ, जिससे आपको हेल्प मिल सके। सो इस वीडियो में हम देखें कि करना क्या है। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भर दिए तो क्या आपको वेरिफिकेशन वहाँ जाने की ज़रूरत है? देखो, आपको मैसेज आता है अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको वेरीफाई के लिए वहाँ बुलाया जाता है। बाकी अदरवाइज अगर आपने फीस पेड कर दी, आपने प्रिंट आउट ले लिया, आपने अपने आइडेंटिटी कार्ड ले लिए तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी बुक कलेक्ट करने ज़रूर जाना है, बिकॉज आपके पास में बुक नहीं होगी, स्टडी मटेरियल नहीं होगा आइडल का, तो आप पढ़ाई कैसे करोगे, स्टडी कैसे करोगे? बिकॉज आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम्स होने वाले मोस्टली सारे के सारे ऑफलाइन मोड में होंगे, जिसके लिए आपको स्टडीज़ करनी होगी। तो आपको स्टडीज़ करने के लिए लगती है बुक, जो कि आपको यही इंक्लूडिंग फीस में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है आइडल में। जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया है वहाँ जाना है, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, वहाँ एक बार पूछ लेना है कि हमको कुछ वेरिफिकेशन की ज़रूरत है। अगर वो बोलते हैं नहीं, तो आप अपना स्टडी मटेरियल क्या कर लेना है, कलेक्ट करना है, उसी में वो सारे के सारे फॉर्म लेके जाओ जो आपने फॉर्म फिलअप किए और प्रिंट आउट लिए हैं। ओके, तो जितना हो सके इस जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से वहाँ मिसप्लेस मत करो, बिकॉज ये आपने जो प्रिंट आउट लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, इसी को दिखाने के बाद में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगी। बाकी इसके बाद में आपको और कुछ भी नहीं करना है। सेकेंड सेमिस्टर के लिए आपको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, एक ही टाइम में आपने सेमिस्टर वन सेमिस्टर टू की क्या कर लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दी, जिसका आपका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा। आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपका कुछ क्वेश्चंस रह जाता है या तो फिर डाउट्स रह जाते हैं तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज आइडल से जो भी अपडेट आएगी आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हो तो। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।